वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विशेष सूचना। क्वेश्चन ये भले हिंदी में है लेकिन मैं आपको इनको इंग्लिश में समझा दूंगा, इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे। और वैसे भी आपका जो एग्जाम है वो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, यानी कि इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो हिंदी की तरफ दौड़ते हैं। तो ये हिंदी क्वेश्चन है, मैं इनको आपको दोनों में ही समझा दूंगा, हिंदी में तो है प्लस इंग्लिश में भी आपको समझा दूंगा, तो फिर आप चाहे एग्जाम में जो उनसे मर्जी अटेम्प्ट कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में हम 12 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर ऋण पत्रों का निर्गम व शोधन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इन 12 एमसीक्यू में से आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही जाएंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब ये वीडियो एंड हो जाएगी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछले साल आ रखे हैं, कोई 2010 में आ रखा है, 2007 में आ रखा है, कि ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर ऋण पत्र निर्गम और शोधन के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो इन क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ के चले जाना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू में से पूछा गया है, कंपनी ऋण पत्रों के निर्गम से डैश प्राप्त करती है, यानी कि जब कंपनी ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर्स को इशू करती है तो उसे वहां से क्या मिलता है, लोन मिलता है, कैपिटल मिलती है, दोनों मिलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हमें जो है ऋण मिलता है। हमें पता है जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू से जो हमें पैसा मिलता है उसको हम पूंजी बोलते हैं, और जो हम ऋण पत्र इशू करते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है वो एक तरह से कंपनी का लोन होता है, कंपनी की लायबिलिटी होती है जिसको फ्यूचर में देना होगा कंपनी को। बात करते हैं अपने दूसरे एमसीक्यू के। दूसरे एमसीक्यू में से पूछा गया है, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, यानी कि जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं उन पर ब्याज दिया जाता है, कौन से मूल्य पर ब्याज दिया जाएगा। अंकित मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फेस वैल्यू, क्रय मूल्य यानी कि परचेज वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, निर्गम मूल्य पर, यानी कि जब जो हमने इशू करते उस वाले मूल्य पर दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, फेस वैल्यू पर जो है ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। जल्दी चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू की ओर। अब सही है ना, अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है। थर्ड एमसीक्यू में उनसे पूछा गया है, कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं, यानी कि जिनके पास जो है डिबेंचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के लेनदार, कंपनी के अधिकारी, कंपनी के देनदार या कंपनी के स्वामी। तो देखो, कंपनी के स्वामी तो कहीं कहलाएंगे नहीं, ना ही कंपनी के अधिकारी कहलाएंगे। बात होती है अब ए की और सी की। देखो, देनदार किसको बोलते हैं हम, डेटर्स। लेकिन हमें पता है देनदारों से यानी कि जो ऋण पत्रों से जो हमें पैसा मिलता है वो एक तरह से क्या होगा, लोन। तो देनदार तो हुए नहीं, क्या होगी, शाबाश, एक तरह से लेनदार हो, क्योंकि लेनदार जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेनदार को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं और ये लाइबिलिटी में आता है। और हमें अभी ऊपर ही पढ़ा था कि जो ऋण पत्रों से यानी डिबेंचर से जो हमें पैसा मिलता है वो एक तरह से लोन होता है। तो ये कंपनी के लेनदार होंगे, एक तरह से लाइबिलिटी है जो इन फ्यूचर कंपनी को पे करनी पड़ेगी। बात करते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यू की। फोर्थ एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है, फोर्थ एमसीक्यू में से पूछा गया है, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। पहला ऑप्शन है कंपनी में संचालकों की भागीदारी, कंपनी में दीर्घकालीन दायित्व, कंपनी में अंशधारियों के विनियोग इन्वेस्टमेंट, कंपनी में ग्राहकों की अग्रिम राशि यानी एक तरह से एडवांस अमाउंट। तो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अंशधारियों की इन्वेस्टमेंट यानी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट,
संचालकों की भागीदारी, यानी कि तरह से भागीदारी को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एक तरह से पार्टिसिपेशन। तो ऋण पत्र जो है क्या दिखाता है, वो एक तरह से लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी ही दिखाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, कंपनी की दीर्घकालीन दायित्व, यानी कि लाइबिलिटी दिखाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिखाएगा ऋण पत्र। बात करते हैं अपने 5 MCQ की, 5th MCQ में से पूछा गया है ऋण पत्रों का निर्गम किया जा सकता है। निर्गम को हम इंग्लिश में बोलते हैं इशू, तो कौन से कैसे हम उसको इशू करेंगे, सममूल्य पर यानी कि एट पार, अधिमूल्य पर प्रीमियम, पट्टे पर यानी कि डिस्काउंट, इन सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन सभी पर हम इसको इशू कर सकते हैं, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर्स हो, उनको हम एट पार, प्रीमियम और पट्टे पे हम इशू कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम देने से पहले। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की, यानी कि 6th MCQ की ओर। 6th MCQ हमसे पूछा गया है ऋण पत्रों के निर्गम पर कटौती डैश है, यानी कि जब हम ऋण पत्र इशू करेंगे अगर उसके ऊपर कोई हम कटौती करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, चालू संपत्ति कहलाएगी, चालू दायित्व कहलाएगी, बनावटी संपत्ति या स्थाई संपत्ति। तो गाइस देखो, इसको पहले हम बनावटी संपत्ति जो है बोलते थे, लेकिन अब इसको फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चालू संपत्ति, इसका आंसर हो जाएगा 6th वाले MCQ का, ठीक है। चालू संपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। बात करते हैं अपने 7th MCQ की। 7th MCQ हमसे क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। 7th MCQ ये रहा आपके सामने, और 7th MCQ में से पूछा गया है ऋण पत्रों के निर्गम पर की गई कटौती डैश दर्शाई जाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा है ये क्या जो है करंट एसेट हो रहा है, तो करंट एसेट कहां पे दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पक्ष में, या लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में, या लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, किस साइड दिखाया जाएगा, शाबाश, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में, यानी एसेट्स की साइड दिखाया जाएगा। बात करते हैं अपने 8th MCQ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में आ रखा है। क्या है, सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र होता है, यानी कि सबसे सुरक्षित ऋण पत्र कौन सा होता है, डिबेंचर्स सबसे ज्यादा सिक्योर कौन से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधक। प्रबंधक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टगेज, ठीक है, यानी कोई हमने चीज रख दी उसके ऊपर हमने जो पैसा लिया उसको बोलते हैं मोर्टगेज, ठीक है। तो 8th वाले MCQ का आंसर हो गया ए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट, यानी कि 9th MCQ की। 9th MCQ में हमसे पूछा गया है ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गम पर डेबिट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं कि ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गम पर डेबिट किया जाता है, यानी कि ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति, यानी कि जब हम ऋण पत्रों को जो है एक तरह से इशू करेंगे तो क्या चीज हम डेबिट किया जाता है, तो उसमें ऋण पत्र उच्चनत खाता जो है डेबिट किया जाता है, इसको इंग्लिश में बोल लेंगे हम सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को जो है हम डेबिट करेंगे। सॉरी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की। 10th MCQ में हमसे पूछा गया है ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। शोधन का मतलब क्या है कि पेमेंट कैसे इनकी पेमेंट की जा सकती है, सममूल्य पर यानी एट पार, अधिक मूल्य पर प्रीमियम पर, अंशों में परिवर्तन कर देंगे यानी कि शेयर्स में हम इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि जब हम डिवेंचर्स की जो है हम पेमेंट करेंगे उसको एट पार भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मूल्य में पेमेंट कर सकते हैं उसको, और उसको जो है हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, शेयर्स में भी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं अपने 2nd-last MCQ की, और फिर वीडियो हो जाएगी हमारी ख़त्म, लेकिन वीडियो को पूरी देख के जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2010 में आ रखा है। क्या पूछा गया है, ऋण पत्रों का शोधन होता है यानी कि पेमेंट होती है, अभी हमने पढ़ाया पीछे, नगद में नवीन ऋण पत्रों के निर्गम द्वारा, यानी कि नए डिवेंचर्स हम इशू कर दें, जो उससे पैसा है उसके बाद हम पेमेंट कर दें, समता अंशों का निर्गम, यानी कि इक्विटी शेयर को जो है
इशू करें उसके बाद जो है पैसा है उसके बाद जो है ऋण पत्रों के हम पेमेंट करते हैं या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि हम नगद में पैसा दे सकते हैं, नगद डिवेंचर को इशू करके जो पैसा है उससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स को इशू करने के बाद जो पैसा आता है उससे भी हम पेमेंट इसकी कर सकते हैं। लास्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा गया ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता है, यानी कि जो डिवेंचर्स का प्रीमियम एवं शोधन खाता है, शोधन मतलब रिडम्पशन जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, व्यक्तिगत को इंग्लिश में हम बोल लेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट बोलते हैं हम प्रीमियम एवं शोधन खाते को। तो हमारी वीडियो हो गई यहाँ पे कंप्लीट, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि कर भला तो हो भला। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो में हम एक और चैप्टर के यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के एमसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ गाइस, अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे चैनल पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। धन्यवाद।